नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आपका पर्सनल कोच। जब हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं, ये वीडियो मैं खास हिंदी में बनाना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे बताया कि आप हिंदी में बात क्यों नहीं करते, हिंदी तो हमारे राष्ट्रभाषा है। तो इसके लिए मैं जल्दी से बात करूँगा, हिंदी में ही आपको समझाऊँगा कि जॉब कैसे पाते हैं। कई सारे सिविल इंजीनियर मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, जो इधर उधर जॉब के लिए तरस रहे, भटक रहे हैं। उनको 50-100 जगह पे जॉब अप्लाई करते हैं तो भी जॉब मिलता नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें आती है, शादी की उम्र हो गई, कई सारे लोगों की जॉब नहीं मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि बीटेक हो गया है, एमटेक हो गया है, डिप्लोमा भी कई सारे लोगों ने किया है, यानी 3 साल डिप्लोमा आपने किया है, 3 साल बाद में बीटेक किया है और 2 साल उसके बाद में एमटेक किया है, फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है। दिक्कत कहाँ पर आ रही है? काफ़ी सारे परसेंटेज भी मार्क्स आए हैं, मालूम नहीं जॉब क्यों नहीं मिल रहा है। कई सारी जगह पे एक्चुअली जॉब वैकेंसीज भी निकलती है, लेकिन फिर भी जॉब मिलता नहीं है। इसका एकमेव कारण ये है कि दोनों के बीच में बहुत बड़ी दरार है। आपके पास जो नॉलेज है, स्किल है, और जो जॉब रिक्वायरमेंट के लिए लगता है, उसमें बहुत ही बड़ी गैप है। इसका ये एकमेव कारण है, अदरवाइज जॉब की कमी नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम अगर जो है वो इंडिया में है। आपको बता देता हूँ, एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा किधर है? दिल्ली में। दूसरा सिटी कौन सा है? बैंगलोर। आपने पढ़ा होगा कुछ महीने पहले कि कॉलेजेस और स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, एयर पोल्यूशन ज़्यादा है। क्रिकेट भी खेल रहे लोग मास्क पहन के अपने राजधानी शहर में, न्यू दिल्ली में। देख लीजिए, एयर पोल्यूशन जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है उसके लिए माने जाती है, जो सिविल इंजीनियरिंग का ही सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग टैप नहीं कर पा रहे उसको कि सॉल्व कैसे करें। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का कोई भी स्पेशलिस्ट है उसके पीछे लग गया तो प्रॉब्लम और सोल्यूशन दे देगा, डेफिनेटली दे देगा। एयर पोल्यूशन देखिए, कोई भी आप नदी देख लीजिए, गटर बन चुकी है, बहुत सारा पानी है, नहीं तो पानी नहीं है। वाटर मैनेजमेंट या हाइड्रोलिक्स कौन सा सब्जेक्ट है भैया? सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। आप कोई भी सिटी देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, बॉम्बे देख लीजिए, या बैंगलोर में आई है, कोई भी स्टेट कैपिटल देख लीजिए या मेट्रोपॉलिटन सिटीज देख लीजिए, ट्रैफिक का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ट्रैफिक का। पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी बढ़ गई है, पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, बौखला गई है गवर्नमेंट की, संभाले कैसे उसको। अभी ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, भैया ये सब्जेक्ट है किस ब्रांच का? अपने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का। तो स्कोप नहीं है, स्कोप तो काफी सारा है, हम लोग टैप ही नहीं कर पा रहे उसको। और एक चीज बता देता हूँ, 50% लोग भारत के जो है वो इधर रेंटल अपार्टमेंट में रह रहे, नहीं तो झोपड़ी में रह रहे। आधी मुंबई तो धारावी में बढ़ रही है, तो हाउसिंग सेक्टर आता किसमें है? सिविल इंजीनियरिंग में आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का देख लीजिए, पूरा कंट्री में आप देख लीजिए, कोई है ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर। जस्ट कुछ साल पहले मैंने देखा, कोई गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे दी काउज, यानी गाय खरीदने के लिए। कई सारे लोगों ने गाय खरीदी, दूध संभालने के लिए रोड के ऊपर दूध फेंक रहे थे वो लोग, क्योंकि दूध रखने के लिए उधर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आता कौन से ब्रांच में है भैया? सिविल इंजीनियरिंग लाइन में। तो ऑब्वियसली देर इज ए नायगरा फॉल्स, यानी आप समझ लीजिए, आप नायगरा फॉल्स के बाजू में खड़े और बोल रहे हो कि पानी नहीं है। इतना सारा पानी है, आपको टैप करने की नैक नहीं है, आपको टैप करने के लिए आ नहीं रहा है कि ये इतना बड़ा पानी ले कैसे अपने बकेट में जो अपनी प्यास बुझाए। तो ये करने के लिए जो गैप है, जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की, जो बर्निंग प्रॉब्लम है इंडस्ट्री का, उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है उसका पहले जांच लीजिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दर दर जाके एक्चुअली हर एक जगह पे जाके सीवी दे लो, जॉब दे दो, प्लीज प्लीज प्लीज, देयर सम पीपल आर प्लीडिंग ऑन द फोन कि जॉब दे दो, जॉब दे दो। सिविल इंजीनियरिंग बन चुका है, ये एक नंबर फर्स्ट सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, मदर इंजीनियरिंग, सारी ब्रांचेस बाद में आती है। फर्स्ट लाइन ऑफ इंजीनियरिंग इज सिविल इंजीनियरिंग, इसके बाद में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बाकी का सब चालू हो गया है। तो ये मदर ब्रांच है, ये बंद पड़ गई ना भैया, सारे बंद पड़ गए समझ लो। इसमें स्कोप है नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा स्कोप है। को ले कैसे, उसको टैप कैसे करें, ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि दोनों में गैप बहुत बड़ा है। आपको आपकी स्किल सेट है ना एक लेवल पे लेके आनी है, नहीं तो मिलेगा नहीं कुछ भी करो आप। जॉब मिलने के लिए कुछ आपके पास स्किल होना चाहिए। कई सारे लोगों को कंप्यूटर कैसे चलाते वो मालूम भी नहीं है, सिंपल कैड जैसा चीज भी मालूम नहीं है।
आपको खरीदना पड़ेगा, आपके उसके ऊपर बैठना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, आपका स्किल सेट जो है मैच करना पड़ेगा, तब भी आपको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी है, आपको जॉब मिल सकता है। और एक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, मल्टीफोल्ड प्रॉब्लम्स है, एक एक प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते जाएंगे तभी वो सब कुछ होगा। और एक इशू ये है, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा या प्राइवेट सेक्टर का कॉलेज रहेगा, आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस के अंदर इतना सारा कचरा भरा पड़ा है, M1, M2, M3, M4, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, भैया मालूम ही नहीं है कि अप्लाई कहाँ पे करते हैं। फोर ईयर सीरीज हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डेरिवेटिव्स हो गई, सारी चीज़ें, इतनी सारी मैथमेटिक्स दबा दबा के, भरा भरा के, हम लोगों से इतने सारे इक्वेशंस करा के ले लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स, लेकिन अप्लाई किधर करना है मालूम ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, सॉम टॉस अलग अलग सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, सुबह बैठते हैं एक घंटा हो जाता है सॉम का, फिर हो जाता है जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, एक घंटा हो जाता है ग्राफिक्स का, एक घंटा हो जाता है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, शाम को आप आते हो, हाँ कुछ सीखा, कुछ तो चल रहा था, पता नहीं क्या चल रहा था, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि क्या है, आधा एक 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 घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा आप पढ़ेंगे, आपको समझ नहीं पाएगा कि क्या करना क्या है नॉलेज का। आपको एक सस्टेन्ड लेवल पे 4-6 महीना कम से कम आपको एक, यानी तपस्वी की तरह आपको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आप अगर कुछ हथियार ले लेते हैं, कुराड़ी ले लेते हैं और इधर खंदक करते हैं पानी नहीं मिल रहा है, दूसरी जगह पे करते हैं पानी नहीं मिल रहा है, तीसरी जगह पे करते हैं पानी नहीं मिल रहा है, पानी किधर भी नहीं मिले, आप बोलेंगे पानी ही नहीं है, पानी है बेटा लला, उसको नीचे जाना है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है उसी लाइन में जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी लाइन को आपको एक्सप्लोर करना है, आपको लेवल मैच करनी है, तभी आपको जॉब मिलेगा। जॉब मिलेगा नहीं, आप छा जाओगे जॉब के ऊपर, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको इज्जत भी मिलेगी, आपको प्राइड सभी जगह पे और कई सारी जगह पे आपको आपकी योग्यता के अनुसार आपको फल मिल सकता है। यही चीज़ है जो मैं आपको दिल और जान से बताना चाहता हूँ। 4-6 महीना आपने 6 साल दिया ना, 4 साल दिया कॉलेज को, दिया नहीं 6 साल कुछ जो इन्होंने 6 मंथ्स में, हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूँ कि 6 महीना आप बेंगलोर आ जाओ या किधर आ जाओ, लेकिन जहाँ पे भी 6 महीना आप तपस्वी की नहीं, एक ही जगह पे आपको स्ट्रक्चर में जाना है, एक ही जगह पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स है पॉइंट आउट करो, कौन कौन से कोड्स है पॉइंट आउट करो, कौन कौन से सॉफ्टवेयर है पॉइंट आउट करो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या दिक्कतें आ रही है पॉइंट आउट करो, सब जगह पे आप सारे सॉल्यूशन निकालो, उसी जगह पे आप 6-7 महीना आप कॉन्सेंट्रेट, एक टाइम फ्रेम के जरिए एक सिस्टमेटिक तरीके से आप उसको पजल को सॉल्व करने की कोशिश करो, तुरंत जॉब मिल जाएगा। अगर आपकी रुचि है साइट पे जाने की, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करने की या ये करने की, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ की ज़रूरत है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ की ज़रूरत है, तुरंत आपको जॉब मिल जाएगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए, कन्विंसिंग पावर चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आपको लेबर आपको मैनेज करने की चाह चाहिए, आपको अगर हिंदी आता है कन्नड़ा नहीं आता है तो आपको जॉब इधर बैंगलोर में मिलने का कम संभावना है, आपको इंग्लिश ही आता है इंग्लिश ही नहीं आ रहा है, कोई सारे बंदों को इंग्लिश ही पता नहीं है, तो अंग्रेजी भैया आता नहीं है, थोड़ा सीख लो ना, कुछ काम करने के लिए तो सीख लो, कुछ बताने के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजर खाली लेबर के साथ नहीं जुड़ा रहता है, आपको आपके पास आर्किटेक्ट भी आते हैं, आपके पास जियो टेक्निकल कंसल्टेंट आता है, आपके पास जो कॉन्ट्रैक्टर करता है वो कॉन्ट्रैक्ट के इंजीनियर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, कई सारे लोगों को आपको जोड़ के रखना पड़ता है। साइट की मुसीबतें, साइट की प्रॉब्लम्स है, साइट के अंदर क्या हो रहा है उसके रिपोर्ट्स प्रेजेंटेशन दिखाने पड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जॉब के लिए कोई दिक्कत है। हमारे पास भी कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे रहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की बहुत ज़रूरत रहती है, जो सारे प्रोजेक्ट हैंडल करे हेडेक नहीं, भैया चलो कितना, 1 लाख रुपये लेना है, 2 लाख रुपये लेना है, प्रॉब्लम नहीं है, करोड़ों रुपये का प्रोजेक्ट रहता है, सच बात बताऊं मैं, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट रहता है, कोई भी आपको प्रोजेक्ट दे देगा, लेकिन आपके अंदर वो चाह और ये क्षमता होनी चाहिए कि आप वो प्रोजेक्ट की चाबी आप मालिक के पास लेके आओगे। ये 2 साल का प्रोजेक्ट था, मैंने 3-4 महीना पहले ही खत्म करके ये दे लो चाबी, इतना प्रॉफिट हो गया, 4 महीना सेविंग हो गया, 4 महीने की ओवरहेड्स की कॉस्टिंग इतनी कम हो गई, सैलरी की कॉस्टिंग इतनी कम हो गई, देखो भैया ये आपको प्रॉफिट हो गया, आपको निकाला नहीं जाएगा, दूसरे 4 प्रोजेक्ट्स और दिए जाएंगे, आपकी क्षमता बढ़ेगी, VP बना दिया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दी जाएगी, अलग
अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप अलग-अलग डिसीजंस ले पाए। तो ये रहती है क्वालिटीज। इसके लिए क्या करना है, खाली घर पे बैठ के या जॉब का प्रोफाइल लिख के चार जगह पे जाके जॉब ही नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग बहुत ये है, रिसेशन बिल्कुल ही नहीं है, लगता है ऐसे रिसेशन है। कुछ जगह पे ऐसे मल्टीफोल्ड प्रॉब्लम्स आते, कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं वो अटके पड़े हैं, उनको सॉल्यूशन देना है आपको। अगर ये इंडस्ट्री है, इसका हल सॉल्यूशन, इसके पास जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की क्षमता नहीं है, तो इधर से ही आप दम खाओगे, नीचे जाओगे। अगर आपके पास ये है तो आप दोनों पकड़ के इस इंडस्ट्री को ऊपर लेके जा सकते हो। तो किस तरीके से करना है, 6-7 महीना आपको टाइम देना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। अगर आपके पास वो क्वालिटीज है तो तुरंत आप 4-6 जगह पे जाएंगे तो मिल जाएगा जॉब। अगर आपके पास क्वालिटीज नहीं, मैंने कई सारे इंजीनियर्स देखे, IITs में पढ़ने वाले, NITs में पढ़ने वाले, कई सारे जगह पे ऐसे भरे भरे इतने बड़े बड़े किताब पढ़ते हैं, इक्वेशंस बताते हैं, ये करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी बिल्डिंग, मैंने बताया, अब अगर आपके पिताजी है उसको 30 फीट बाय 40 फीट का प्लॉट है, भैया तुम पूरा प्लॉट डिजाइन करके कंस्ट्रक्ट करके आप आपके फादर को दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? अगर आंसर हाँ है तो आपको जॉब पक्की मिलेगी, अगर आंसर ना है तो आपको बैठना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, और ये आपकी जवाबदारी है। आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, यानी ड्राइविंग आता नहीं है, आपको अलग इंस्टीट्यूट में जाके आपको ड्राइविंग सीखना पड़ेगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए पैसा खर्चना पड़ेगा, तभी आपका जो 6 साल का डिग्री है ना, उसकी कीमत आपको मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपको पता चलेगा कि किसके लिए बनाया है, एंड बहुत सारे लोगों को इसका मजा भी आता हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो थम्स अप कीजिए, एंड बहुत ही अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, सायोनारा।